हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेस्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक के बारे में, जो आने वाले टाइम में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, कौन सा इसके इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के अंदर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल के ऊपर लेके आता हूँ, आप लोग देख देख के सीख सकते हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो मार्क्स एंड फार्मा का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है, और इसके अंदर अगर देखोगे ना स्टॉक को मैंने कहाँ पे पकड़ा था, मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। दोस्तों, जब ये स्टॉक नियर बाई ये लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, अगर लेवल की बात करूँ तो ये जो लेवल है एग्जैक्टली इसका 55 के भाव के आसपास ये स्टॉक था जब ये स्टॉक मैंने बाय कर लिया था, और यहीं पर से इसके अंदर से मैंने नियर बाय 92 के भाव के आसपास इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली थी। 53 के भाव के आसपास इसको अपन ने बाय किया था दोस्तों, और अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो 110, और मेरा ऐसा मानना था दोस्तों ये स्टॉक आने वाले टाइम में अपने ऑल टाइम हाई को एक बार तो जाके टच करेगा, क्योंकि ये स्टॉक मुझे बहुत पोटेंशियल लग रहा था। और अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो इसने अपना टारगेट डन कर दिया है। अब इसके आगे इसके अंदर क्या करना चाहिए दोस्तों, जो लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है उनको होल्ड करना है या नहीं करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे ना तो प्रीवियसली इसने दोस्तों लो कहाँ तक लगाया था, मैं अगर आप लोगों को एग्जैक्ट अपनी लेवल बताऊँ तो यहाँ पे इसने लो लगाया था एग्जैक्ट यहाँ पे 11 रुपये के भाव के आसपास लॉकडाउन के टाइम पे आया था, और उसके बाद यहाँ पे इसने 109 मतलब नियर बाय 10x का रिटर्न इसने दे दिया है। और प्रीवियसली अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया है इसके अंदर इसने ना पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल ही बनाया, इसने रेड कैंडल बनाया ही नहीं है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल का ही जोन है ये। तो यहाँ पे नियर बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रीन कैंडल बनाई है दोस्तों, और अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी होल्ड कर रहा है। तो बहुत लोग इसके अंदर ये सोचने वाले हैं कि अब भाई ये इतना बढ़ गया है और कितना बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, ये स्टॉक जो है ना अपने जो जितने भी ऊपर ये लोग बैठे हुए जो इसको शॉर्ट करके बैठे हुए, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे बड़ा सेलर है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक बार इसके स्टॉप लॉस हिट करेगा ये, और जब भी हिट करेगा ना यहाँ से आप लोगों को एक स्पाइक देखने के लिए मिलेगा। और अभी दोस्तों इसके अंदर मेरे हिसाब से टारगेट और पेंडिंग है, अगर मैं आप लोगों को टारगेट एरिया बताऊँ ये कहाँ तक जा सकता है, तो अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँगा, यहाँ पे आप लोग देखोगे एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने किया, और उसके बाद में ना ये स्टॉक अभी एक फ्लैग एंड पोल का भी ब्रेकआउट किया था उसने, वहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली एक फ्लैग एंड पोल है इसका, इसने ब्रेकआउट किया था। अगर मैं आप लोगों को पोल बताऊँ तो ये एग्जैक्ट इसका पोल है, तो ये फ्लैग एंड पोल का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अभी अगर आप लोगों को इसका कैलकुलेशन पता है तो नियर बाय 11 रुपये से इसने 109, तो यहाँ पे 53 से नियर बाय मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों आने वाले टाइम में इसका टारगेट जो है ना नियर बाय 150 के भाव के आसपास आ सकता है, क्योंकि जब भी ये स्टॉक इस तरीके से मोमेंटम करते हैं ना तो बहुत लोग इसके अंदर सोचते हैं कि बॉस ये कितना जाएगा, तो दोस्तों ये स्टॉक ऐसे निकलते ही जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, मैं आप लोग यहाँ पर भी बता देता हूँ किस तरीके से इसने मोमेंटम किया था, यहाँ पर आप लोग देखोगे इसने कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनाई थी, और उसके बाद में एक हॉल्ट लिया, और उसके बाद में हॉल्ट लेने के बाद दोस्तों फिर से इसने इतना एक रैली कर दी थी, और फिर उसके बाद में सब लोगों को दिखाया, और उसके बाद में बाइंग के अंदर बिठा के फिर ये गिरा था। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों अभी आने वाले टाइम में इसके अंदर एक 40 से 50 रुपये की अपसाइड और आ सकती है, तो जो लोगों के पास ये स्टॉक होल्ड में पड़ा हुआ है ना तो उनको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके रख देना है दोस्तों नियर बाय 90 रुपीज़ के भाव के आसपास, क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से निकला ना तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है नियर बाय 140 का तो भाव कम से कम ये दिखाएगा आप लोगों को, और उसके बाद में भी ये कंसोलिडेशन में जा सकता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।